हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज का टाइटल आपको पढ़ के समझ आ गया होगा कि आज का जो हॉल है वो मंत्रा का हॉल है और इसके अंदर मैंने कुर्ता सेट ऐड किए हैं। और मेरे को ना मंत्रा से मंगवाने का ये रीजन भी रहता है कि थोड़ा वहाँ पे स्टफ भी काफी अच्छा होता है और उनका ना जो डिलीवरी है वो भी फास्ट होती है। अगर हमें कहीं एमरजेंसी कहीं जाना है, जो कहीं पार्टी वगैरह अटेंड करनी है, तो बहुत जल्दी वहाँ से हमें जो स्टफ वगैरह है वो डिलीवर हो जाता है। और आप प्राइस को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, क्योंकि मैं प्राइस बहुत ही देख के रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अफोर्डेबली रखूँ। और मेरे को ये रहता है ना कि इसमें स्टफ वगैरह है ना, उसको लेकर कभी कोई इशू ना आए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस हिसाब से स्टफ की भी उम्मीद होती है। तो उस हिसाब से मैं सबको शेड्यूल करती हूँ, तो आप बेफिक्र होकर आप कोई भी कुर्ता सेट ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैं और बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, कर लेते हैं आज का हॉल स्टार्ट। हॉल का जो हमारा सबसे पहला कुर्ता सेट है वो मैंने मंगवाया थोड़ा रेड कलर का। सी गाइस, ऐसे वाला रेड कलर है, बहुत ही प्यारा है। पूरे सूट के ऊपर मतलब जो नेक पार्ट है बहुत ही फिनिशिंग से इसका काम किया गया है, और नेक पे जो भी काम है वो जरी का काम किया गया है, कोई भी धागा वगैरह इधर उधर नहीं हुआ हुआ, बहुत ही फिनिशिंग से ये काम किया गया है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो आपको ऐसे मिलेंगी, थोड़ी अम्ब्रेला काट की इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स के आगे भी आपको सेम वर्क मिलेगा जैसे कि आपको नेक पे मिल रहा था। और ये ना आपको स्ट्रेट कुर्ता सेट नहीं मिलेगा, ये है थोड़ा सा ऐसे मतलब कि अनारकली टाइप बोल लो या अम्ब्रेला टाइप बोल लो, वैसे वाला ये सूट है। और इसके नीचे आपको हल्का हल्का बॉर्डर ऐसे मिल जाएगा, आप साइड की वीडियो पे देखना, आपको अच्छे से लुक समझ आ जाएगी। और इसके अंदर हम इनर वगैरह लगी हुई है, सॉरी गाइस, इसके अंदर इनर वगैरह नहीं है, इनर की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ट्रांसपेरेंट का कोई इशू नहीं है। और बैक साइड से बिल्कुल आपको प्लेन मिलेगा। साइज जो मैंने इसमें लिया है, मैंने एम ही लिया, मंत्रा के मैं ऑलमोस्ट सारे साइज एम ही लेती हूँ, तो ये भी काफी प्यारा लग रहा था। और इसके साथ जो मेरे को बॉटम रिसीव हुआ है वो हुआ है प्लाजो। प्लाजो के आगे पीछे आपको इलास्टिक मिल जाएगी जो कि काफी कंफर्टेबल सी है। और इसका प्लाजो का लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे ये प्लाजो है। और इसके नीचे भी आपको बॉर्डर ऐसे मिल जाएगा जो भी जरीका वर्क है, काफी फिनिशिंग से है। साथ में आपको मिलेगा दुपट्टा, दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसके साथ जो इन्होंने ये लेस लगाई है ना, ये काफी ट्रेंड में है, गोल्डन से कलर की लेस है ये भी काफी अच्छी लगती है लिया हुआ। आपको मतलब कि ट्रेंड वाली चीजें प्लेन हो जाए कुछ भी हो तो अच्छी लगती है, नारकली जैसा सूट है तो ये काफी स्मार्ट लगेगा दुपट्टा लिया हुआ इसके साथ। मटेरियल जो गाइस इसका है वो है सिल्क, और सिल्क का आपको पता ही है थोड़ा सा शाइन लेवल कपड़ा होता है तो वो काफी सुंदर लगता है। और कॉस्ट जो मैंने इसके लिए पे किया वो है 2500, 2500 में काफी अच्छी डील है, ये भी आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। और गाइस जो नेक्स्ट सूट मैंने लिया है वो लिया है ये वाला, इसका कलर आप येलो भी नहीं बोल सकते, मस्टर्ड भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा प्यारा सा कलर है इसका, काफी जैसे थोड़ा मेहंदी टोन टाइप कुछ बोल सकते हो। ये भी अनारकली सूट मिलेगा और ये प्रॉपर सिल्क में सूट है, ये भी चंदेरी सिल्क जिसको बोलते हैं। आप देखो इसके अंदर आपको गोल्डन कलर के ऐसे प्रिंट्स मिल जाएंगे, ऐसे वाले सूट हो चाहे प्लेन लेकिन काफी ज्यादा रॉयल लगते हैं क्योंकि इनका स्टफ वैसे रहता है। और ना इसका जो ब्रांड मैंने लिया है वो लिवास लिया है, और गाइस इसका ना आपको बैक नेक ना काफी डीप मिल जाएगा जो पहना हुआ काफी अच्छा लगने वाला है। और इसकी स्लीव भी आपको फुल मिलेंगी, और स्लीव्स के नीचे और सूट के नीचे पूरी ही आपको इनर मिल रही है। और मैं आपको इसका घेर भी दिखा देती हूँ, घेर काफी अच्छा खासा घेर है इसका, इतना सारा मतलब कि मैं आपको कैमरे में शायद पूरा दिखा भी नहीं पा रही होंगी, तो आप साइड वाले वीडियो में देखना कि कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही थी। और इसके साथ जो मेरे को बॉटम रिसीव हुआ है वो बॉटम आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा, और इसका देखो आगे आपको ऐसे बेल्ट मिलेगी, बैक साइड पे इलास्टिक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिवास की आपको दोनों साइड पे ही पॉकेट मिलती है, ऐसे देखो दोनों साइड इसके आपको पॉकेट मिलेगी। और बाकी जो प्लाजो है वो प्लेन मिलेगा, और दुपट्टा जो इसके साथ मिला है जैसे थोड़ा बनारसी टाइप का दुपट्टा नहीं होता, जैसे बनारसी बोलते हैं शायद इसको, वो वाला दुपट्टा है। इसकी ग्रेस भी काफी अच्छी आ रही थी सी, तो ये वाला सूट भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका इसकी कॉस्ट पे किया 2399 इसका कॉस्ट पे किया है, तो काफी प्यारा। गाइस जो मैं नेक्स्ट सूट लिया है वो लिया है पर्पल कलर का, कलर मैंने सारे ही सोच के रखे हैं ताकि आपके फेस्टिवल अच्छे से कलर हो जाएं, और पार्टी वगैरह में भी ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं काफी, तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़े से डार्क कलर रखने की कोशिश की है। इसका वी नेक पार्ट आपको काफी अच्छे से मिल जाएगा और काफी फिनिशिंग से इसका काम किया गया है, इसके मतलब वर्क को देख के तो आपका मन खुश हो जाएगा, ऐसे वाला बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे इम्बेड किया हुआ वर्क है, कहीं से कोई फिनिशिंग को लेकर इशू नहीं है। और इसका जो स्लीव्स है आपको 3-4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स के नीचे कोई इनर नहीं है लेकिन इसके आगे आपको ऐसे हल्का हल्का वर्क मिल जाएगा। सूट के नीचे पूरे के नीचे आपको इनर मिलेगी, साइज मैंने इसका भी एम लिया है, और पूरे ही स्ट्रेट कुर्ता ये, इसके बीच बीच में आपको छोटा छोटा सा ये वाला डिजाइन मिल जाएगा। हैवी सा स्टफ होता है ना इनका, तो काफी प्यारा लगता है, पार्टी वियर सा लगता है। और इसके साथ जो आपको बॉटम मिलेगा, बॉटम ये वाला प्लेन प्लाजो, इसके आगे बेल्ट है, बैक साइड पे इलास्टिक है, और इसमें पॉकेट आपको एक साइड मिल रही है आई थिंक,
हाँ इस साइड तो पॉकेट है, पॉकेट काफी अच्छी है, अपना फोन वगैरह आप लोग रख सकते हो। वन साइड पॉकेट है इसकी और पूरा ही प्लाजो आपको प्लेन मिलेगा। इसका स्टफ भी काफी अच्छा है, लेकिन इसके नीचे इनर आपको नहीं मिलेगी। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टा गाइस काफी हैवी दुपट्टा है, चारों तरफ बॉर्डर है, बीच में वर्क है। दुपट्टे की हाइट विड्थ को लेके कोई इशू नहीं है और वर्क भी बहुत ही अच्छे से किया गया है, जैसे कि सूट के अंदर है। ये भी आप ट्राई कर सकते हो। 1899 का मैंने ये सूट लिया है, तो ये भी काफी अच्छी। और गाइस मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट लिया है, ये भी काफी प्यारा सा कलर है। ये सांगरिया ब्रांड का, आपको पता है सांगरिया ब्रांड का मैं ऐड कर लेती हूँ हर बार, क्योंकि इसमें मेरे को अफोर्डेबल भी लगते हैं स्टफ थोड़े से और अच्छे भी काफी होते हैं। ये देखो ये काफी अच्छा सा कलर है, इसके अंदर आपको थ्रेड का वर्क मिल जाएगा जो कि काफी कलरफुल सा किया गया है। और स्लीव्स के ऊपर भी आपको सेम ही वर्क मिल जाएगा, और स्लीव्स इसकी सिंपल सी नहीं है, आपको अम्ब्रेला काट के स्लीव्स मिलेंगी। और आगे भी पैटर्न जो इसका है वो जिग-जैग टाइप का है, और इसके अंदर भी आपको वर्क मिल जाएगा। स्लीव्स के नीचे कोई इनर नहीं है, बट पूरे शर्ट के अंदर आपको प्रॉपर इनर मिल जाएगी। और इसका बाकी पूरा शर्ट आपको प्लेन ही मिलेगा, और स्ट्रेट कुर्ता सेट है, सॉरी प्लेन नहीं है। नीचे आके बॉर्डर पे फिर से आपको ऐसे वर्क मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सा है, स्टफ भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके साथ जो आपको बॉटम मिलेगी, बॉटम आप इसके साथ प्लाजो है, इसके आगे आपको बेल्ट मिलेगी, बैक साइड पे इलास्टिक है। और आई थिंक इसके भी ये पॉकेट चेक कर लेती हूँ मैं भी, एक साइड पे पॉकेट है और पूरे प्लाजो के नीचे इनर लगी हुई है। प्लाजो देखो, और नीचे आके आपको ऐसे गोल्डन कलर की लेस मिल जाएगी। इसकी लुक भी आप साइड की वीडियो में देख सकते हो। और इसके साथ जो दुपट्टा है, दुपट्टा देखो गाइस, ये थोड़ा ऑर्गेंजा टाइप का दुपट्टा नहीं होता वैसे वाला आपको दुपट्टा मिलेगा। और इसके चारों तरफ जो इन्होंने लेस लगाई हुई है ना, ये वैसे ही है जैसे इन्होंने प्लाजो के बॉटम पे लगाई थी। और इसका भी साइज मैंने एम ही लिया है, और इसका जो मटेरियल है वो सिल्क ब्लेंड है। और इसके लिए जो मैंने कॉस्ट पे किया है 2000 मैंने इसके लिए पे किया है, तो ये भी काफी अच्छा सूट है, कोई भी कमी नहीं है। और गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो सूट मैंने पहना हुआ है वो मैंने कहाँ से लिया है, वो भी इसी हॉल का सूट है, मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसको पहन लिया। और ये भी आपको स्ट्रेट कुर्ता मिलेगा, ऊपर टॉप पे ऐसे वाला वर्क है, कहीं पे भी वर्क में कोई भी फिनिशिंग को लेके इशू नहीं है। स्लीव इसकी भी आपको 3/4 मिल जाएंगी, आगे हल्का हल्का सा ऐसे बॉर्डर लगा हुआ है, सूट के नीचे पूरी ही इनर लगी हुई है। दुपट्टा इसके साथ काफी अच्छा मिला है, ऐसे देखो आप ना दुपट्टे के अंदर बीच बीच में आपको कहीं कहीं पे सिप्पी और गोल्डन कलर का मतलब के लेस लगा मिल जाएगा। और बॉटम इसके साथ प्लाजो मेरे को रिसीव हुआ है, तो ये भी काफी प्यारा कुर्ता सेट है। और इसका जो मटेरियल है वो चुनून है, और मैंने जो इसके लिए कॉस्ट पे किया 1848 मैंने इसके लिए पे किया है, तो पहनना हुआ आपको समझ ही आएगा मेरे को कितना अच्छा लग रहा होगा। लुक भी आपने यहाँ पे भी देख ली होगी, साइड की वीडियो में भी देख ली। और गाइस जो मैंने नेक्स्ट सूट लिया है, ये सूट मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और पार्टी वियर भी है और हैवी भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन लुक इसकी काफी हैवी सी आ रही है। ये मैंने ब्लू कलर का सूट लिया है, इसके भी नेक पार्ट पे आपको इतना प्यारा सा जरी का वर्क मिल जाएगा, और विदाउट स्लीव सूट है ये। इसके बैक साइड पे भी आपको ऐसे नेक पे काफी अच्छा सा डिजाइन मिल रहा है, पूरे सूट के नीचे इनर लगी हुई है, और बीच बीच में ना आपको ऐसे हल्के हल्के डॉट से मिलेंगे, ऐसे शॉर्ट वाली शर्ट है ये। और इसके आगे और पीछे आपको फिर से जरी का मर्क मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, और बैक साइड पे वैसे ही आपको डॉट्स वाला डिजाइन मिल जाएगा। ये ना सूट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसको पहन के ना बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और इसके साथ जो आपको प्लाजो मिल रहा है, प्लाजो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा प्लाजो है इसका, इलास्टिक मिल जाएगी दोनों साइड पे। और इसकी प्लाजो की आप ना ऐसे वर्क ये देखो कितनी अच्छी सारी इसकी ग्रोथ आ रही थी, बीच में आपको ऐसे लेस लगी मिल रही है, और नीचे भी आपको ये वाला जैसे थोड़ा टिश्यू वाला पेपर स्टफ नहीं होता वो वाला इसका लगा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी ऑसम वाली लुक लग रही थी, मेरे को खुद को काफ़ी अच्छा अच्छा फील आ रहा था। और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, 1199 का मैंने ये सूट लिया है, और जो इसका भी मटेरियल है ना वो पॉली सिल्क करके इसका मटेरियल है, तो काफ़ी प्यारा सूट है, इसको पक्के से आप ट्राई करके देखें। और गाइस जो मैंने नेक्स्ट सूट लिया है वो लिया है ये वाला, इसका कलर भी काफी ज्यादा प्यारा है, सुंदर कलर है, और उसके ऊपर आपको ऐसे करके जरी का वर्क मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है, और मतलब कलरफुल सा भी लग रहा है। तो इसका स्टफ भी काफी अच्छा है, सिल्क करके इसका स्टफ है, इसके नीचे भी आपको इनर वगैरह मिल जाएगी, स्लीव्स के नीचे इनर वगैरह नहीं लगी हुई है, और स्लीव्स भी काफी ज्यादा स्टाइलिश है इसकी, ऐसे आपको वर्क मिल जाएगा, और ऐसे फ्रंट पे आपको कट हुआ हुआ मिल जाएगा, तो ये भी काफी सुंदर लग रहा है। और इसके साथ जो मेरे को प्लाजो मिला है, प्लाजो आपको ऐसे मिलेगा, प्लाजो के आगे आपको ऐसे बेल्ट लगी मिल रही है, बैक साइड पे इलास्टिक है, और पॉकेट में इसकी चेक कर लेती हूँ, आई थिंक पॉकेट इसमें कोई नहीं है, हाँ जी पॉकेट इसके नीचे कोई नहीं है, पूरे ही प्लाजो के नीचे इनर लगा हुआ है। और इसका प्लाजो ये देखो, यहाँ तक आपको इनर मिलेगी, नीचे ये ऐसे ही है, हल्का सा यहाँ पर आपको ये लेस लगा मिल रहा है,
ये भी काफी स्मार्ट पीस है। और इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिलेगा, दुपट्टा देखो गाइस, दुपट्टा भी थोड़ा सा ऑर्गेंजा टाइप का इसका दुपट्टा है सी। और दुपट्टे के चारों तरफ इसके आपको ऐसे लेस मिल जाएगी। इस साइड थोड़ी सी ब्रॉड है, इस साइड हल्की हल्की सी लेस लगी हुई है। ये भी ट्राई कर सकते हो, कलर तो है ही ऑसम है इसका। और इसकी जो मैंने कॉस्ट पे किया 1999 मैंने इसका कॉस्ट पे किया है, ये भी मस्ट बाय सूट। और गाइस जो मैंने नेक्स्ट सूट लिया है वो फिर से ग्रीन कलर का सूट लिया है। ये भी आपको थोड़ा ए लाइन सूट मिलेगा, ऐसे करके ए लाइन सूट है ये भी काफी प्यारा लग रहा है। और जो लोग ज्यादा हैवी सूट नहीं पहनते हैं तो उनके लिए तो ये मस्ट बाय है। इसके ऊपर आपको ऐसी हल्की हल्की सी लेस लगी मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी लगती है। और पूरे ही शर्ट में सेंटर में आपको यही लेस मिल रही है और नीचे आके सेंटर में ही छोटा सा आपको स्लिट मिलेगा जो कि थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश सा बना देता है। और स्टफ जो इसका है रियॉन है, नीचे इनर वगैरह कोई नहीं लगी हुई है। और इसके साथ जो मेरे को प्लाजो मिला है, प्लाजो के आपको आगे ऐसे बेल्ट मिल जाएगी, बैक साइड पे इलास्टिक है और इसके अंदर कोई पॉकेट वगैरह आपको नहीं मिलेगी। पूरा प्लाजो ऊपर से आपको प्लेन मिलेगा, नीचे आके आपको ऐसे हल्की हल्की सी लेस मिल रही है। पहनने में कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। इसके साथ जो दुपट्टा मिला है, दुपट्टा आपको ऐसे सी गाइस प्रिंटेड वाला दुपट्टा है इसका। दुपट्टे के चारों तरफ आपको ये वाली लेस लगी मिल जाएगी। ये लेस ना मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, ट्रेंडी सी लगती है और मेरे को लगता है दुपट्टे की थोड़ी ग्रेस और बढ़ जाती है। और इसके अंदर जो भी चीज लगी हुई दिख रही है आपको, ये पूरा ही प्रिंट्स है आपको और मेरे को मिलेंगे प्रिंट्स, मेरे को लग नहीं रहा कि इनके जाएंगे। और इसके लिए मैंने जो कॉस्ट पे किया है 1820 मैंने इसके लिए कॉस्ट पे किया है, तो ये भी काफी अच्छा सूट है। और गाइस जो मैंने नेक्स्ट सूट लिया है ये वाला लिया है, ये भी काफी प्यारा सा लग रहा था मेरे को। इसका वर्क भी काफी फिनिशिंग से है। पर्सनली मेरे को नेक पे जब ऐसा वर्क होता है और ऐसे बिल्कुल ही बेड करके किया गया होता है ना, तो मेरे को काफी प्यारा लगता है वो। इसके भी पूरे सूट के नीचे आपको इनर मिल जाएगी, पूरा सूट बाकी प्लेन है इसका, स्ट्रेट कुर्ता सेट मिल जाएगा ये आपको। ये देखो यहाँ पे इसके ऐसे 3-4 स्लीव मिलेंगे, स्लीव के नीचे कोई इनर नहीं है। और आगे आपको हल्का हल्का सा ऐसे वाला वर्क मिल रहा है। और बाकी साइज मैंने जो लिया है इसका एम लिया है। और इसके साथ जो मेरे को प्लाजो मिला है, प्लाजो के आगे आपको बेल्ट बैक साइड पे इलास्टिक ये चीज मिली है। और इसकी पॉकेट वगैरह कोई नहीं है, पहनने में काफी कंफर्टेबल है, मैं पहन के देख चुकी हूँ। और इसका ये देखो पूरा प्लाजो इतना खुला आपको प्लाजो मिल जाएगा। प्लाजो के आगे पीछे आपको ऐसे वाली डिजाइन मिलेगा जैसे कि शर्ट के अंदर है। प्लाजो के नीचे पूरे के नीचे इनर लगी हुई है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और इसके साथ जो आपको दुपट्टा मिला है, दुपट्टे को लेके भी कोई कमी नहीं है। सी गाइस ऐसी दुपट्टा है, दुपट्टे के आपको दो तरफ ऐसे वाली लेस लगी मिल जाएगी, दो तरफ नहीं मतलब चारों तरफ आपको ऐसे लेस लगी मिल जाएगी। बीच बीच में छोटा छोटा सा डिजाइन है, हार्ड विड्थ को लेके कोई कमी नहीं है। 1800 मैंने इसके लिए पे किया है। मटेरियल इसका सिल्क है तो काफी अच्छी डील है, आप ये भी ग्रैब कर सकते हैं। तो बाकी आपको कुछ और देखना है तो उसके लिए आप मेरे को लिंक्स छोड़ देना, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, उसका हैंडल मैंने नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाला हुआ है। तो अब आपके लिए यहाँ पे वीडियो ऐसी आती रहेंगी, आप लोग देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।